वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल तो यकीनन आपने पढ़ लिया होगा, यानी कि तहरीर वो जो कॉइन आपकी ज़िंदगी बदल के रख दें, और उन्हीं कॉइन्स का मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉइन इस वक्त मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ चुके हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि इनमें मुसलसल हमें पम्प दिखाई दे रहा है, और ये पम्प कितनी देर हमारे काम आएगा, क्या रहेगी इनकी आने वाले दिनों में पोजीशन, और इनका पास्ट क्या है, जो जानना मैं समझता हूँ तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बचा सकें अपना सारा सरमाया। तो दोस्तों, ये सारी बातें, सारी गुफ्तगू इसी वीडियो में आपसे होगी, और तमाम प्राइस प्रेडिक्शन आपने बड़े ध्यान से सुननी है, ये आपके सरमाए को हर दर्जा जो कि है सिक्योर करेगी। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो आपने बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, आगाज करते हैं सबसे पहले मार्केट में अच्छी खासी धूम मचाए रखने वाले क्वाइन YFII से। अच्छा, मार्केट में दोस्तों दो क्वाइन मौजूद हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो YFII है, ये इसका समझ लें कि सीनियर टोकन है, और जो YFII है ये इसका जूनियर टोकन है। दोनों ही फाइनेंस से जुड़े हुए कॉइन हैं, और ज़ेहन में रखिएगा, जो फाइनेंस से जुड़े हुए प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको पंप एंड डंप इसीलिए ज़्यादा दिखाते हैं कि आपको उन्होंने ये इमेज देना होता है जी कि हम आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं, फाइनेंस में लगाते हैं, आपके जो पैसा है वो हम आगे मार्केट में जो है डिफरेंट बिजनेस में लगाकर, जैसे बैंक आपका जो पैसा है आगे सर्कुलेट करके आपको प्रॉफिट देता है, तो उसी सेंस में इन्होंने हमें ये बता रखा है कि जी ये फाइनेंस के कॉइन्स हैं। यहाँ पर अगर हम ज़्यादा डेप्थ में ना जाएँ तो मैं आपको सिर्फ इंट्रो में बता देता हूँ कि हमारा जो कॉइन का टॉपिक है वो ये है YFII, ठीक है। और ये जो YFII है, अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो वो भी बड़ी संगीन है। पहले मैं दोस्तों आपको इसका एक शॉर्टर इंट्रो दे दूं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा वो कॉइन। दोस्तों, अगर हम आपको YFII कॉइन की हिस्ट्री बताएं, तो इसने मार्केट में लोगों को अच्छा खासा आबाद भी किया और बर्बाद भी, यानी कि ये करीब आपके सामने है $80,000 का कॉइन था ये। कितने का? $80,000 का। अब मैं समझता हूँ कि YFII को, इस कॉइन को मैं अगर आपसे मुतारिफ करवाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं एक मरतबा आपको ये बता दूँ कि यरन फाइनेंस यानी कि YFII कॉइन क्या बला है। ये दोस्तों किसी टाइम पे बिटकॉइन से भी ज़्यादा महंगा था, ठीक है। बिटकॉइन उस वक्त 35,000 पे था, और इसकी प्राइस हमारे सामने $80,000 पे देखने को मिल रही है। बहुत कम दुनिया जानती है कि ये एक दिन में $2,000 प्रॉफिट देता था, लेकिन जब ये फारग हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया, या इन्होंने अपने आप को परमानेंटली एक सर्टन अमाउंट में ला करके खड़ा कर दिया, तो उस वक़्त अच्छी खासी दुनिया बर्बाद हो गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, मार्केट में अपना एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट निकाला, और उसके प्राइस थोड़े कम थे। वो कॉइन अब आजकल मार्केट में अच्छी खासी धूम मचा रहा है। तो दोस्तों, जब उसकी प्राइस $6,000 पर लाकर इन्होंने परमानेंटली खड़ी कर दी, तो इन्होंने दूसरा कॉइन मार्केट में मुतारिफ कराया, ठीक है, और वो 9,000 से पंप लगा करके डाउन पे आया। मैं आपको बताता हूँ कि इस कॉइन ने मार्केट में आगाज़ कहाँ से लिया। $1,100 से, $1,100 से इसने आगाज़ लिया। इसका पंप देखें और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। करीब $9,000 का इसने हाई लगा कर डाउन लगाया। यहाँ पर मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि फिर ये चला गया 1800, 1500, फिर 2500, और फिर एक मरतबा 6,000 का हाई लगाकर अब ये परमानेंटली कहाँ ट्रेड करता है, 900 से 1600 के दरमियान, यानी कि किसी भी रात। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इसकी जो पंप करने की टाइमिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑकवर्ड है, यानी कि आप लाख चाहें इस कॉइन को फॉलो करें कि जी मैं चाहता हूं कि मैं इसको गर्दन से डबोच लूँगा और मैं अर्निंग करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये मोस्टली डंप मार्केट में पंप करता है, जैसे कि सारी दुनिया क्रैश कर रही होगी, ये पंप करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसे कॉइन के पीछे बकायदा एक सोच होती है, किनको यूज़ करने की, ज़रूरतमंद को, जो मार्केट में आता है, पैसा लगाता है और ऐसे कॉइन में फंस जाता है। कई दोस्त इसमें बहादुरी दिखा जाते हैं। अब कल रात की बात करते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी होगा सिर्फ वन डे का चार्ट ओपन करना। मैं आपको बहुत अहम चीज़ दोस्तों यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि कल रात इसने पंप पकड़ा $1,214 का,
12:14 का, यहाँ से ये हाई लगाता हुआ एक मरतबा ये $1,750 का हाई लगाकर डाउन कर गया, फिर थोड़ा सा 1500 पर आया, फिर हाई कर गया और उसके बाद ये फिर से 1400, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1550 और फिर इस वक्त ये कहाँ पे खड़ा है 1277 पे। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिसने कल रात सिर्फ 24 घंटे पूरे हुए नहीं हैं, इन 24 घंटों में जिसने वाईफी में एंट्री ली 1700 पे, ये सोच करके अब ये जाएगा जी 2250 पे, वो गया। ऐसे कॉइन दोस्तों क्या करते हैं, ज़िंदगी तो वाकई बदल के रख देते हैं दोनों सेंस में, या आबाद कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइफ चेंजिंग जो है ना वो ऐसे ही होता है। तो डे बाय डे ये अपनी विड्थ और अपनी बेस कम कर देते हैं। आए कहाँ से थे $9,000 पे, सर्कल बदलते रहते हैं, अपनी सर्कुलेशन का जो एरिया होता है उसको कम करते चले जाते हैं, यानी कि जहाँ पर पहली दफ़ा जाते हैं जिधर से ये मार्केट का हाई पंप लगा के आते हैं दोबारा वहाँ जाने का नाम नहीं लेते, उससे नीचे फिर उससे नीचे। अब ये कॉइन आपको YFII, इससे पहले के लोग इसके जो चाल चलन से वाकिफ हो जाएंगे उससे पहले पहले ये अपना तीसरा कॉइन निकाल देंगे मार्केट में। तो ऐसे कॉइन्स यकीनन आपको प्रॉफिट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कॉइन मैं नहीं कंसीडर करता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो आपसे कॉइन शेयर करते हैं उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इम्प्रूव होने के, बल्कि 80%। ये फाइनेंस का कॉइन है, जब इन्होंने बैंकक्रप्ट होना है तो इन्होंने एक वर्ड छोड़ देना है पीछे कि जी हमने जिधर आपका पैसा लगाया हुआ था ना वो कंपनी डूब गई, अब हम भी डूबने लगे हैं। तो ये इस तरह करके आपको फारग कर देते हैं। इनके ऊपर मेरी एक मुकम्मल स्टडी है इन कॉइन्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी मार्केट में इस तरह के बिहेव करने वाले कॉइन से बेखबर होकर बैठे हैं, लिहाजा फ़िलहाल ये कॉइन ट्रेंड पे था और बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हम इसके बारे में आगाही दें। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक कॉइन है, अव्वल पे इसमें कोई शक नहीं है, कमाने वाले इसमें से कमा भी रहे हैं। अब ये वीडियो जब एयर होगी बड़ी दुनिया कहेगी मैंने इसमें से इतना कमाया, मैंने इसे इतना कमाया, कमाने वाले कितने होंगे 15, 20, 50, 70, 100, बर्बाद होने वालों की तादाद तकरीबन लाखों में होगी। सो ये बड़ा रिस्की कॉइन है, इसमें आपने देखा होगा कि अक्सर मैंने ऐसे कॉइन्स पे कभी वीडियो नहीं बनाई, कभी मैंने आपको इनकी इनके बारे में कभी अफादियत इनका फ़ायदा भी नहीं आपसे शेयर किया। अब इसी तरह का बिहेव करने वाला एक कॉइन है KP3R, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस कॉइन की भी हिस्ट्री सेम वाईफी जैसी है, अब इस वक्त ये हमें 131 पे बड़ी शराफत से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसने भी अपना कुलिया यानी कि अपना फार्मूला सेम यूज़ किया, $2,000 का हाई लगाकर दोबारा ये 2,000 पे नहीं गया, 1800 से 1900 का हाई लगाकर 1500 से 1700, फिर उसके बाद 1500 से 1300 करते करते करते, या इवन के ये $1,600 पे था और मैंने 8 माह पहले एक प्रेडिक्शन की थी, अब ये बड़ी बात पुरानी हो गई है मुझे बताते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा कि ये 1800-1700 पे था और मेरी प्रेडिक्शन थी कि ये आपको $100 पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कल रात पंप करने से पहले $98 तक जा चुका था, बहुत ही बुरी हालत थी। अब इसने क्या पंप दिया है आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसका पंप कहां तक आ रहा है, ये आपको मैं दिखाता हूं चार्ट में कहां तक इसकी हालत थी। चार्ट में अभी 127 आ रहा है, बल्कि उसको मैं थोड़ा और नीचे करूं तो जी, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो $98 तक आ चुकी थी। तो दोस्तों ये भी कॉइन किसी काम का नहीं है, अब 100 पे तो आ चुका है, मेरी प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब नहीं है कि अब ये 100 से आपके कोई नसीब बदल देगा। काइंड ऑफ ये गैम्बलिंग से जुड़े हुए ये जो कहें कॉइन हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे कॉइन से हज़ार दर्जे बेहतर ऐसे कॉइन्स होते हैं जो मैं आपसे डेली की मार्केट में शेयर करता हूँ। लिहाजा पूरी मेरी वीडियो में आपको यही लगा होगा कि मैं इन कॉइन्स की बुराई करने आया हूँ, कतन नहीं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है, कीमती है, मेहनत की कमाई है, तो ऐसे कॉइन्स ने मेरे सामने, मैं इस चीज़ का समझ लें कि हकीकतन गवाह हूँ कि इसने मिनटों में अकाउंटों के अकाउंट उड़ा के रख दिए। अगर कोई $5,000 $10,000 भी लेकर आया था, वो एंड पर इसमें से $1,100-1,200 लेके निकला और उसकी एंड पे ये आरजू थी कि आइंदा मैं क्रिप्टो में आऊँगा ही नहीं। तो दोस्तों इससे पहले आप भी ये सोचें कि मैं आइंदा क्रिप्टो का मुंह भी नहीं देखूंगा, तो उससे बेहतर है इन कॉइन्स से परहेज़ करें।
प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में और भी बहुत से कॉइन हैं। इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।